गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है सिर्फ मराठी और हिंदी मीडियम के लिए है। प्रमाणाचे मूल प्रमेय, प्रमेयाचा व्यत्यास, सॉरी प्रमेय, प्रमाणाचा मूल प्रमेयाचा व्यत्यास, हिंदी में प्रसमानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। प्रमाणाचे मूल प्रमेय अपन शिकले, हम पढ़ चुके हो समानुपात का मूल प्रमेय। ये प्रमाणाचा मूल प्रमेयाचा व्यत्यास है, मतलब उल्टा। अगर किसी त्रिभुज में, कोणत्या त्रिकोणामध्ये AD अपॉन DB ये इक्वल होगा किसके साथ, AE अपॉन EC के साथ। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, तो ये लाइन इसको पैरेलल होती है। ऐसा कौन बोलता है? प्रमाणाचा मूलभूत प्रमेयाचा व्यत्यास, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम कहता है ये। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था समानुपात का मूलभूत प्रमेय में, कि अगर समांतर दिया रहेगा ए बी सी डी ई, अगर हमको डी समांतर बी सी दिया होगा, अगर ये पैरेलल दिया होगा, समांतर दिया होगा, तो क्या करने का, ए डी के नीचे डी बी और ए के नीचे ई सी, समांतर दिया होगा तो एक के नीचे एक लेने का, ये कौन कहता है? प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय, समानुपात के मूलभूत, समानुपात का मूलभूत प्रमेय कहता है। समांतर दिया होगा तो एक के नीचे एक, अगर एक के नीचे एक दिया होगा तो समांतर लेना है, मतलब उल्टा, इसलिए उसको बोलता है प्रमाणाचा मूलभूत प्रमेयाचा व्यत्यास, प्रमाणाचा मूलभूत प्रमेयाचा व्यत्यास, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम कहते हैं, याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देंगे एग्जाम्पल, तो मान लो यहाँ पर दिया हुआ है दो, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है चार, यहाँ पे दिया हुआ है छः और यहाँ पे दिया है बारह। तो देखो, अगर पेपर में बोलेंगे कि डी बी सी को समांतर है या नहीं, तो ए डी लेने का अपॉन डी बी लेने का, आगे ए और इसी मत लेना, डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले ए डी और डी बी लेने का, ए डी दो डी बी चार, इसको सॉल्व करने का, दो एकम दो, दो दूने चार। अब ए और इसी छः और बारह, छः एकम छः, छः दूने बारह, देखो सेम आ गया, मतलब ए डी और डी बी और ए और इसी दोनों भी सेम है, इसलिए ये इसको समांतर है, और समांतर है हमने बाद में निकाला, इसलिए उसको बोलेंगे प्रमाणाचा मूलभूत प्रमेयाचा व्यत्यास, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। ठीक है, बाकी जो कौन द्विभाजक है, कौन समद्विभाजक है, वो हम लोग को इस साल बोर्ड में कट किया हुआ है, अगले साल रहेगा, लेकिन इस साल हम लोग को बोर्ड में कैंसिल किया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर थ्री से लेकर नाइन तक, थ्री से लेकर नाइन तक और इलेवन हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है सेकेंड और टेंथ। तो हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर टू और सेकेंड अभी ले रहे हैं, बाकी सब इस साल के लिए कैंसिल है। तो क्वेश्चन नंबर टू और टेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन कैंसिल है इस साल। क्वेश्चन नंबर टू, जर त्रिकोण पी क्यू आर मध्य पी एम 15 दिया है, पी एम 15, पी क्यू 25, ये पूरा पी क्यू 25 दिया है, पी आर 20 पूरा वाला, और एन आर 8 दिया है, तो तुम्हारा काम है ये निकाल लेना, ये नहीं दिया इसलिए, और ये निकाल लेना, ये नहीं दिया इसलिए। तो सबसे पहले वो निकाल लेंगे, तो देखो पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी आर, पी एन और एन आर को मिलाकर बनता है पी आर, इसको रीजन दे देने का, पी डैश एन डैश आर, पी एन नहीं दिया हुआ है, एन आर 8 दिया हुआ है, पी आर 20 दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 20 में से 8 गया 12 प्लस का माइनस। अब इस तरफ भी आ जाओ, पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, पी डैश एम डैश क्यू, पी एम 15 दिया हुआ है, एम क्यू पता नहीं है, और पी क्यू 25 दिया हुआ है, एम क्यू 25 प्लस का माइनस, 25 में 15 गया कितना बचा, 10 मिल गया। अब क्या पैरेलल, समांतर दिया नहीं है, समांतर लाना है, ठीक है या नहीं बताना है, तो
एक के नीचे एक लेना है एक तरफ से उसको सॉल्व करने का, जब दिया रहेगा तो दोनों लेने का, नहीं दिया रहेगा तो एक के पहले एक साइड लेने का। पी एन के नीचे एन आर, पी एन कितना है 12, एन आर कितना है 8, 12 और 8 किसके टेबल में आते हैं 2, और किसके टेबल में आते हैं 4, तो बड़ा कौन है 4, 4 से 4 त्रिक 12, 4 दुने 8, इसको नंबर 1 डाल देने का। अब पी एम के नीचे एम क्यू, पी एम कितना है 15, एम क्यू कितना है 10, 5 के बारे में 5 त्रिक 15, 5 दुने 10, सेम आया, तो यहाँ पे लिखना है पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू, ये और ये सेम है इसलिए इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, आया सेम, इसके नीचे ये, इसके नीचे सेम आ गया, इसलिए ये इसको समांतर है, एन एम समांतर आर क्यू, क्यों समांतर आया, दिया होगा तो प्रमाणाचे मूल प्रमेय और निकालना होगा तो प्रमाणाचे मूल प्रमेयचा व्यत्यास, प्रमाणाचा मूलभूत प्रमेयाचा व्यत्यास, हिंदी में समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, ये तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा कैंसिल है, चौथा कैंसिल है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां कैंसिल हुए और ग्यारहवां भी कैंसिल है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। देखो यहाँ पर त्रिकोण एक्स डी ए में क्या बोला है, पी क्यू समांतर डी, देखो समांतर दिया है, दिया है तो प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय और एक के नीचे एक आएगा, दिया है इसलिए, तो देखो एक्स डी ई में, एक्स डी ई में मतलब इस बारे में ये इसको समांतर है, तो इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, मतलब एक्स पी के नीचे पी डी, मतलब यहाँ पे आएगा पी डी, एक्स क्यू के नीचे क्यू वी दिया हुआ है, हो गया। अब आओ एक्स ई एफ में क्यू आर समांतर ई एफ, वापस समांतर दिया है, एक के नीचे एक आएगा, एक्स क्यू के नीचे क्यू वी, एक्स आर के नीचे आर एफ। अब इसमें इक्वल क्या है, देखो एक्स क्यू क्यू वी क्यू वी, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है इसलिए ये दोनों भी क्या आएंगे इक्वल, तो अभी इन दोनों को नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है, तो वो वाले स्टेप में, उधर वाले स्टेप में ये दोनों इक्वल आएगा, ठीक है, एक्स पी और पी डी, एक्स आर और आर एफ, एक्स पी और पी डी, एक्स आर और आर एफ। अब देखो जरा डायग्राम में एक्स पी और पी डी, एक्स आर और आर एफ, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये आ गया है, और अगर आ गया तो ये इसको समांतर होता है, मतलब पी आर समांतर डी एफ, और यहाँ पे दिया हुआ है पी आर समांतर डी एफ, और कारण क्या आएगा, समांतर हम लोग ने लाया है इसलिए प्रमाणाचा मूलभूत प्रमेयाचा व्यत्यास, यहाँ पे क्या आएगा प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय, प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय, यहाँ पर भी आएगा प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय, यहाँ पे आएगा एक और दो से, ठीक है, एक और दो से, ठीक है, समांतर दिया एक के नीचे लिया तो प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय, और समांतर लाया तो प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेयाचा व्यत्यास, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, दिस इज योर 1.2, बाय।